हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे देशवासियों को कि हमारा चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड कर चुका है चांद पे, और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत खुशी का माहौल है, और क्योंकि हम आज जो है चांद पर, हमारा जो चंद्रयान 3 है सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, तो आज पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है। दोस्तों, कल से प्रॉपर जो है हमारा एक सीरीज वाइज हमारा वीडियो आने लगेगा। डेली जो है हम आपको एक एक ट्रेडिंग के एक एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस जो चीजें होती है उसके बारे में बताएंगे हम। दोस्तों, अभी आज मैं आपको बस छोटा सा एक इंट्रो देना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को आज ट्रेडिंग में ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आज देखा आपने, आज दोपहर तक तो कुछ खास मोमेंट्स नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद से सेकंड हाफ से क्या हुआ, एक अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिला, जो कि हमारी सबसे ज्यादा हमारा सक्सेसफुल जो है इसमें सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी तो 400 पॉइंट जो है 44,000 से 44,400 450 के समथिंग जो ऊपर गई, डायरेक्ट ऊपर जाते जाते, मतलब होता नहीं है, जैसा मैंने आप लोग को बताया। मैं आप लोग को आज थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ट्रेंड जो होता है, ट्रेडिंग में ट्रेंड 3 होता है। मैं आपको ट्रेंड के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूं, देखिए, ट्रेंड आपको ट्रेंड जानना, आपको ट्रेंड समझना कि किस ट्रेंड में आज मार्केट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो आप पक्का लॉस खाओगे। अगर इन केस सपोज करो, अगर आज अब ट्रेंड है, ठीक है, आज का मार्केट जो अब ट्रेंड है, अगर आपने गलती से अगर आपने पुट का पोजीशन ले भी लिया, और अगर सपोज करो थोड़ा टाइम के लिए अगर मार्केट नीचे आ ही रही है ना, तो भी आपके जो प्रीमियम होते हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में रहता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को आज ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहा हूं। आपको मैं ट्रेंड के बारे में बता दूं, बेसिकली दोस्तों ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा अप ट्रेंड, जिसमें हमारी मार्केट अप ऊपर की साइड जाती है, एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें हमारी मार्केट नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे आती है, तीसरा होता है हमारा साइडवेज मार्केट। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट 100-150 की पॉइंट पकड़ लेता, उसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, उसमें आपके लॉस ही होंगे, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। और ज्यादातर हमारी मार्केट जो होती है ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बहुत कम रहेगी, मतलब उसमें क्या मूवमेंट अच्छा खासा और ऊपर नीचे का कम रहेगा। ज्यादातर ज्यादा दिनों में क्या आप देखते हैं कि हमारी मार्केट जो होती है ना, वो साइडवेज ही रहती है। तो साइडवेज में क्या करना है हमको, देखिए साइडवेज मार्केट पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको साइडवेज मार्केट के बारे में नहीं पता होता, वही लोग लॉस करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, आप आज सपोज करो किसी दिन अगर मार्केट साइडवेज है, उस दिन आप मार्केट में ट्रेड ना लो, वो बेटर है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप जिस दिन मार्केट हाई ट्रेंड में आएगा उस दिन हम यूज करेंगे। जैसा आपने देखा आज कई दिनों बाद, आज मुझे लगता है 5-7 दिन बाद जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड मूवमेंट दिया, मतलब अप ट्रेंड में था। तो जो लोग अपना कैपिटल बचा के रखे रहे होंगे, आज लोगों ने अपने अमाउंट को, अपने कैपिटल को 3-3-4-4 गुना किया हुआ है, 45 का प्रीमियम 200 तक पहुंचा है, 150 का प्रीमियम 600 तक गया है, 3.5-4 गुना हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ है। जो अपना कैपिटल बचा के रखे थे उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, और जो लोग साइडवेज मार्केट में अपना कैपिटल उड़ा दिए थे, आज सिर्फ मुंह देखते रह गए कि आज तो मार्केट अच्छी थी, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे, कैपिटल ही उनके अकाउंट में नहीं था, तो यूज कहां से करते। तो दोस्तों, क्या है ना कि हमको मार्केट को पहचानना है, पैसे अभी कमाने के चक्कर में ना पड़ो, पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो पैसे कहीं नहीं गए, मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट हमेशा यही रहेगी, लेकिन पहले आप उसको सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हमारे चैनल पे हम आपको डेली जो है वीडियो डालते रहेंगे, शॉर्ट्स डालते रहेंगे, और भी तमाम चीजें आगे आने वाली है, आपको आगे बताया जाएगा ट्रेडिंग के बारे में, आप लोग को हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम जल्द से जल्द सिखाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग में, देखिए ट्रेडिंग में स्किल नॉलेज जो है 10% होती है, ठीक है, 10% आपकी नॉलेज काम करती है, और नॉलेज में किसी का आप सेटअप, किसी की स्ट्रेटजी या किसी का इंडिकेटर के चक्कर में ना पड़ो, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। जानकारी इन द सेंस आप प्राइजेक्शन सीखो, ट्रेडिंग का ट्रेंड सीखो,
ठीक है, और भी तमाम चीजें ट्रेडिंग में जो कि हम आगे बताएंगे वो सब आप सीखिए। और 90% आपका साइकोलॉजी काम करता है, आपका माइंडसेट काम करता है। आपने देखा होगा ना लोग, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोग क्या करते हैं लोग करते हैं सपोज करो 100 रुपए उन्होंने लिया, जब प्रॉफिट में आते हैं ना तो वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते क्योंकि उनका उनका ना पसीना छूटने लगता है, अरे जल्दी जल्दी बुक कर दे कहीं नीचे ना चला जाए। तो प्रॉफिट के टाइम पे क्या करते हैं, 10, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट लेके निकल लेते हैं। और जब लॉस होता है, जब मार्केट नीचे चली जाएगी, मार्केट अगर लॉस में, अगर उनका ट्रेड लॉस में जा रहा है, तो फिर एक होप लेके आशा लेके बैठे रहते हैं, भगवान को मारते रहते हैं कि भगवान ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। मतलब क्या है कहने का मेरे, जब प्रॉफिट होता है तो लोग मैक्सिमम 15, 20, 25 पॉइंट लेके निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, और लॉस के लिए लोग बहुत हिम्मत दिखाते हैं, 50-50 पॉइंट तक, 60-60 पॉइंट तक रुके जाते हैं, और लास्ट में रिजल्ट ये आता है ना वो कैपिटल जीरो हो सकता है और हो जाता है। तो दोस्तों आपको हम इस चैनल पे ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया कि तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। देखिए दोस्तों मार्केट जो है ना अगर अप ट्रेंड में भी है ना तो ऐसा नहीं है कभी डायरेक्ट सीधा ऐसे सीधा करके चली जाएगी मार्केट, या नीचे भी जाना तो सीधा चल जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऐसे ऐसे करके जाती है, ऊपर नीचे, सांप देखा ना सांप की तरह मार्केट चलती है, ऐसा नहीं कि सीधा कर से गली और सीधा नीचे चली, ऐसा नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि सबसे पहले सीखिए आप, पहले ट्रेडिंग को सीख लीजिए। पैसा कहीं नहीं गया है, पैसा आप बहुत कमाएंगे। आप दूसरों को देखते हैं ना प्रॉफिट, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 लाख, 5 लाख लोग पैसा कमा रहे हैं, और सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सच्चाई है, ट्रेडिंग पैसा बहुत है, लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। जो लोग आज 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना, तो आज से नहीं काम कर रहे, कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल, 6 साल, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, आज तक आज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में आप सब कुछ सीख लेंगे, सब पैसा कमा लेंगे। पहले हम आप एक लॉट से शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक लॉट से। आगे हम बताएंगे, आगे चलकर हम लाइव आप लोग को सिखाएंगे, हमें लाइव ट्रेडिंग भी किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करना भी मुझे, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। और बाकी कल वीडियो डालेंगे हम, तो कल हमें पार्टिकुलर किसी एक 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 को एक जानकारी देंगे, कोई सपोज करो हम अभी आपको हम कल देखते हैं क्या आप लोग को सिखाने के लिए बेस्ट रहेगा, उसको हम पकड़ेंगे एक टॉपिक को, उस टॉपिक के बारे में हम लोग कल कवर करेंगे और कल वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।